हेलो गाइस, आप सभी को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बहुत ही आसान तरीके से हैंडबैग बनाएंगे। आप इसे क्रॉस बॉडी सीलिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है और इसका मेजरमेंट लिया है 23x18 इंच। तो 18 इंच है वो हमारी चौड़ाई है और 23 इंच है वो हमारी लंबाई है। अभी ये देखिए, ये 23 है ना, वहाँ से हमें पहले इसे फोल्ड करना है। और ये पीस को मैंने क्विट करके ले लिया है, बीच में रबर सीट और अस्तर जोड़ के रेडी किया है। अभी जो हमने फोल्ड किया ना, वहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए 2.5 इंच पे मार्क करना है। और जो 2.5 इंच पे मार्क किया ना, वहाँ से अंदर की तरफ जाते हुए हमें 4 इंच पे मार्क करना है। और साइड से सब जगह पे हमें इस तरह से 4 इंच पे मार्क करना है, साइड से अंदर की तरफ जाते हुए। और जो हमने 4 इंच का मार्क किया ना, वहाँ से दोनों कॉर्नर पे 1-1 इंच का डिस्टेंस छोड़ के हमें यहाँ पे एक इस तरह से कॉर्नर पे राउंड शेप दे देना है इस तरह से। फिर इसे हम कर लेंगे कट। तो ये देखिए, कट करके हो गया। अभी दूसरी साइड भी यही सेम मेजरमेंट का हमें शेप कट करना है। तो मैंने इस तरह से बीच में से इसे फोल्ड कर लिया। जो 18 इंच हमारी चौड़ाई थी ना, वहाँ से इसे मैंने फोल्ड किया है और इस तरह से इसे मार्क करके ले लिया, फिर इसे कट कर लिया। तो साइड से हमारा ये देखिए कट करके हो गया। अभी ये पीस हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हो जाने के बाद अभी इसे बीच में से हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए ये जो राउंड शेप दिया है ना, वो हमारे ऊपर की साइड होगी। तो नीचे की तरफ जाते हुए हमें 2 इंच पे मार्क करके कट कर लेना है। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे और फिर इसे हम कट कर लेंगे। दोनों पीस मैं साथ में ही कट कर रही हूँ ताकि दोनों साइड हमारा सेम मेजरमेंट का कट हो जाए और दोबारा नाप भी नहीं लेना पड़े। अभी ये देखिए, मैंने जिप ले ली है 10 इंच की। दोनों जिप का मेजरमेंट सेम है। यहाँ पे हम स्टिच करेंगे, तो जिप को यहाँ पे उल्टा रखेंगे, स्टिच करेंगे और दूसरा पीस जो कट किया है वो भी इसके साथ जोड़ के ये जिप में अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जिप अटैच हो गई। अभी इसे उल्टा करके जिप की किनारी के ऊपर मशीन चलाएँगे और कर लेंगे टॉप स्टिच। ये पॉकेट आप अगर एक साइड बनाना चाहते हैं तो एक साइड भी बना सकते हैं। मैंने दोनों साइड बनाया है और अभी टॉप स्टिच हो जाए, बाद में इसमें रनर ऐड कर दीजिएगा। तो रनर भी ऐड हो गया। अभी पॉकेट बनाने के लिए मैंने लाइनिंग के लिए ये पीस ले लिया है 24x12 इंच। 12 इंच चौड़ाई है और 24 इंच हमारी लंबाई है। तो ये पीस को हम उल्टा रखेंगे और ये जो लाइनिंग का पीस है अस्तर का, उसे इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। मैं आपको मशीन पे स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने स्टिच करना चालू किया और ये जो पार्ट आया ना हमारा, तो वहाँ से इसे 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, फिर साइड में घुमाते हुए ये पीस और नीचे वाला मेन फैब्रिक है उसमें ये पीस हमारा अटैच होता जाएगा। अभी ये देखिए, दूसरी साइड आई, तो वहाँ पे भी सेम मेथड से 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा ये साइड भी कवर हो जाए और बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके रेडी कर लेंगे। तो ये पीस इसमें जुड़ के हो गया ये साइड। ये देखिए, इस तरह से हमें स्टिच करना है, ये अभी कट कर लेना है। ये कट करके हो गया। अभी हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से, उल्टा हमें फोल्ड करना है। और जो हमने कट लगाया है ना 2.5 इंच पे, वहाँ यहाँ पे सीधी लाइन बना लेनी है दोनों तरफ और इसके ऊपर सिलाई चला के इसे रेडी करना है ताकि हम पॉकेट में जब सामान रखें तो वो सेपरेट सामान रहे, बीच में इकट्ठा ना हो जाए। इसके लिए ये सिलाई नहीं लगाएंगे तो दोनों पॉकेट जॉइंट हो जाएंगे। अभी इसे हम सेंटर मार्क करेंगे। तो बीच का जो हमने 2.5 इंच पे फोल्ड किया ना, वहाँ पे हमें सेंटर का मार्क करना है और ऊपर की साइड जिप के वहाँ भी हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर के मार्क कर लेने हैं। अभी जो जिप के ऊपर सेंटर मार्क किया है ना, वहाँ से साइड की तरफ जाते हुए 2 इंच पे मार्क करना है, सेंटर से साइड में जाते हुए
दोनों साइड सेम इसी तरह से 2 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ पे हम हैंडल अटैच करेंगे। तो हैंडल मैंने पहले से ही रेडी करके ले लिए हैं, 4x16.5 इंच का कपड़ा लिया था, उसे डबल फोल्ड करके मैंने रेडी किया है। और जो अभी 2 इंच पे हमने मार्क किया ना, वहाँ पे इस तरह से इसे रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच करके हो गया। अभी क्रॉस बॉडी सीलिंग बैग अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरा बेल्ट ले लेना है, और इसका नाप मैंने लिया है 42 इंच, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, और उसे यहाँ पे स्टिच करके रेडी करना है। अगर ये आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक बेल्ट लगाना चाहें तो एक भी लगा सकते हैं। अभी ये हो जाए, बाद में ये कॉर्नर है ना, वहाँ को वहाँ से पीस को उठाना है और यहाँ पे दोनों साइड पे सेम मेथड से मार्क कर लेना है, और फिर ये मार्क से हमें इस तरह से पट्टी से नाप लेना है, और कितना आता है 17.5 इंच आ रहा है, तो हमें 18.5 इंच की स्ट्रिप लेनी है। एक एक इंच हमारा साइड में सिलाई में जाएगा, तो इसके लिए हमें दूसरा जो पीस लेंगे ऊपर अटैच करने के लिए, उसकी चौड़ाई तो सेम लेनी है 5 इंच, और लंबाई में ये 18.5 इंच लेना है, यानी कि 17.5 इंच है उसमें प्लस 1 करके हमें पीस ले लेना है, और 5 इंच है वहाँ से इसे बीच में से फोल्ड करके कट कर लेना है, और 18.5 इंच की ही जिप लेके इसमें स्टिच करके, टॉप स्टिच करके इसे रेडी कर लेना है। रेडी हो जाए बाद में दोनों साइड से मैंने इसमें एक एक रनर ऐड किया है, और ये पीस को अभी इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें स्टिच करना है। स्टिच करके हो जाए, बाद में इसे कवर करने के लिए मैंने 2 इंच की स्ट्रिप ली है, दोनों साइड फोल्ड करते हुए इसे कवर करके रेडी करना है। तो इस तरह से हो जाए, बाद में अभी एक कॉर्नर से उठा के हमें स्टिच करना चालू करना है, तो इस तरह से दूसरी साइड की तरफ जाते हुए स्टिच करते जाएंगे, और ये पीस को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये भी मैं आपको मशीन पे स्टिच करके दिखाती हूँ, ये नाप से आप अगर करते हैं तो परफेक्ट आएगा आपका। तो ये देखिए, यहाँ से कॉर्नर से मैंने स्टिच करना चालू किया, तो दूसरी तरफ जाते हुए पूरे राउंड में सिलाई कर ली है, तो ये हमारा पीस एक साइड का रेडी हो जाएगा। और ये जो जिप के यहाँ पे स्टिच किया हुआ हिस्सा है, जो जोड़ लगाया है वो नीचे की तरफ आए, इस तरह से आपको स्टिच करना है। ये हो जाए, बाद में यहाँ पे राउंड शेप है ना, वहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है ना, थोड़ा ऊपर की साइड उठेगा, तो उस पर हमें छोटे छोटे नोचिस लगा देने हैं, और फिर इसे 2 इंच की स्ट्रिप लेके दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इसे कवर कर लेना है। आप अगर कवर नहीं करना चाहते तो भी चलता है, स्किप कर सकते हैं आप। ये हो गया, अभी सेम इसी तरह से हमें सामने वाला जो हिस्सा है उसे भी रेडी कर लेना है। यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक हमें सिलाई करके इसे भी रेडी कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे भी सिलाई करके रेडी कर लिया, और साथ साथ में कवर भी कर लिया। तो ये हो गया, बाद में अभी हम बैग को कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद ये बैग हो चुका है रेडी। ये देखिए कितना प्यारा, सुंदर और आसान तरीके से ये हमारा बड़ी साइज़ का हैंडबैग या क्रॉस बॉडी सीलिंग बैग आप जो भी बनाना चाहते हो वो बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, आप इसे चाहे तो लंच बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो आपका सामान इजीली अंदर की तरफ सेट हो जाएगा। और इसका फाइनल मेजरमेंट आपको बता दूं तो ये साइड से है ऐसे 9 इंच चौड़ाई में, ऊपर की साइड भी सेम 9 इंच ही है, हाइट में है ये 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंच, और साइड चौड़ाई है इसकी 5 इंच, और ऊपर की साइड से इसकी चौड़ाई है 4 इंच, बेस भी इसका 5 इंच ही है। तो इस तरह से इसका फाइनल मेजरमेंट है। ये देखिए, इसकी ओपनिंग भी वाइल्ड ओपनिंग है, तो आप अपना सामान अच्छे तरह से इसमें सेट करके इसका उपयोग कर सकते हैं। और साइड में भी हमने यहाँ पे 2 पॉकेट दिए हैं, तो आप भी अपना सामान इसमें अलग अलग रख के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा रखती हूँ कि आज का ये हैंडबैग आपको पसंद आया होगा। और हाँ, एक मुझे कमेंट आई थी कि इससे बड़ी
साइज का बैग बनाइए, तो ये उसी के लिए मैंने बड़ी साइज का बैग बनाया है। और ये बैग आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।